लैपटॉप यहाँ नहीं रखा जा सकता। और رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ठीक है, मैं सबसे पहले प्रिंसिपल फलसफा नेट का काज मुख्तार डॉक्टर समुचित सफदर हाउस को उनको अपनी प्रेजेंटेशन दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। मैं सबसे पहले मौजूदीन शहर जो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे कॉलेज को और हमारे स्टूडेंट्स को इस काबिल समझा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज वो माशाल्लाह तकरीबन 5 साल गुजरने के बाद उन्होंने हमें ये शर्त दिया है कि वो यहाँ आएँ और हम उनको अपना कॉलेज दिखाएँ और अपने कॉलेज की कुछ कारकर्दगी उनके साथ शेयर करें। दरअसल ये विजिट थिंकर्स फोरम की ज़ेर सरपरस्ती हो रहा है और मैं बहुत मशहूर हूँ जनाब असद इजाज़ साहब का कि उन्होंने ये महसूस किया कि इस शहर में जो मेडिकल कॉलेज कायम हुआ है उसके तलबा की कारकर्दगी इतनी मुतासरपुर है कि हम उनको मिलें और उनको एक हौसला अफजाई करें। और इसके लिए उन्होंने मुझे फ़ोन किया एक दिन, उन्होंने कहा कि जी हमें बहुत खुशी है कि सियालकोट के मेडिकल कॉलेज ने इतनी बेहतरीन पोजीशन यूनिवर्सिटी में हासिल की है और हम चाहते हैं कि हम उनके साथ ये खुशी जो है ना शेयर करें और हम अपने कॉलेज को देखना भी चाहते हैं और उन तलबा व तालिबात को मिलना भी चाहते हैं जिन्होंने इतना बड़ा एहसास हासिल किया है। तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और मैंने कहा जी ज़रूर आप तशरीफ़ लाएँ और हम आपको तलबा से मिलाएंगे भी और आपको कॉलेज भी दिखाएंगे और जो कुछ हम पिछले 4-5 साल में कर सके हैं वो आपको बताएंगे। तो बात इस तरह हम शुरू करते हैं कि मैं पिछले कुछ 3-3.25 साल से यहाँ पे आपके दरमियान में मौजूद हूँ। वैसे तो मेरा ताल्लुक इस शहर से बहुत पुराना है लेकिन ये ताल्लुक गहरा भी बहुत है और उसमें ना सिर्फ गहराई की वजह यह है कि इस शहर में आज से तकरीबन शायद 28 साल पहले मैं एक दूल्हा की हैसियत से दाखिल हुआ था। दूल्हा बन के आया था और यहाँ से कुछ ले लिया और उसके बाद दोबारा मैं यहाँ प्रिंसिपल बन के आया और मैंने कोशिश की कि जो मैंने तो यहाँ से कुछ लिया था अब मैं कुछ लेके आया। ये कुछ लेने देने का ताल्लुक है और इसको और ज्यादा मुस्तहकम जिस शख्सियत ने हमेशा किया है और जो मेरे रंगो पैर में शामिल है वो है हज़रत अल्लामा इकबाल। जब मुझे इस कॉलेज की प्रिंसिपलशिप के लिए तजवीज़ मेरा नाम किया गया, मुझे बुलाया गया, तो आप जानते हैं कि लाहौर में एक बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज में हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी होना
एजाज की बात है और एक नए मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल बनना शायद लोगों की नज़र में आम सोच के मुताबिक कोई ज़्यादा तरक्की का सबब नहीं था। तो मैंने उस वक्त सिर्फ ये सोचा कि इस शहर से ताल्लुक तो है बहुत गहरा, तो जो मेरा असल ताल्लुक है इस सरजमीन से अलामा इकबाल के हवाले से वो इतना शदीद था कि मैं उसी वक्त मैंने हामी भर ली और इनकार ना कर सका और मैंने कहा मुझे अगर उस सरजमीन की खिदमत करने का मौका मिल रहा है तो मैं ज़रूर आऊँ। मैं ये समझता हूँ कि सियालकोट में मेडिकल कॉलेज आज से 20 साल पहले बन जाना चाहिए था, क्योंकि ये शहर ऐसा शहर है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और ये क्यों इग्नोर किया गया इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, आप सब लोग इतने दीदाबर लोग आगे बैठे हैं ये जानते होंगे। बहरहाल 2011 जनवरी में 4 मेडिकल कॉलेज कायम किए गए जिनमें से एक सियालकोट के हिस्से भी आया और यहाँ पे तालीम शुरू। पहले 2 साल इस कॉलेज में स्टूडेंट्स को अस्पताल की वार्डों में नर्सिंग स्कूल में पढ़ाया गया। बाकी जो 3 मेडिकल कॉलेजेस बने उनमें ये चीज़ मुनफरिद थी कि वहाँ पे उन्हें ओपन स्पेस 50 से लेके 70 एकड़ दे दी गई कि यहाँ आप शहर से बाहर मेडिकल कॉलेज बनाएं और वहाँ पे मेडिकल कॉलेज साथ ही बनना शुरू हो गए। यहाँ जब कॉलेज के क्याम का मसला जेरे गौर आया तो शहर के लोगों ने और यहाँ के जो अकाबरीन हैं उन्होंने फैसला किया कि कॉलेज शहर से बाहर नहीं होना चाहिए, शहर के अंदर होना चाहिए। इस पर बहुत ज्यादा बहस हुई, मैं उस वक्त मौजूद नहीं था लेकिन बाद में मुझे पता चला बहुत बहस हुई। तो आखिर में फैसला ये हुआ कि यहीं पर जो सिविल हॉस्पिटल है इसकी जितनी भी जगह है यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। और मेरे ख्याल में ये फैसला बहुत अच्छा था इस लिहाज से कि जितने भी मेडिकल कॉलेज के कैंपसेस शहर से बाहर बने हैं और अस्पताल शहर के अंदर हैं तो बच्चों को कॉलेज से अस्पताल आने में 45 मिनट से लेके 1 घंटा लगता है, जबकि इतना ज्यादा इंटीग्रेटेड होता है कॉलेज का और अस्पताल का मामला कि ये दोनों कैंपस बिल्कुल साथ जुड़े होने चाहिए। जैसे किंगमेंट मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल, अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, फातिमा मेडिकल कॉलेज और गंगाराम हॉस्पिटल, तो ये जो कॉम्बिनेशन है साथ साथ होने वाला ये बहुत जरूरी था। और वो सारी जो सहूलियात है वो शहर के लोगों को मुयसर होनी चाहिए और बाहर के लोग आ जाते हैं, तो इस लिहाज से ये तो बड़ा ही एक खुशायन किस्म का फैसला था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि पहले जो बिल्डिंग यहाँ थी उनको मिसमार करना था और उसके बाद कॉलेज बनना था, तो उनको मिसमार करने के लिए मंजूरी लेनी पड़ती है, वो प्रोसेस 3-4 महीने का होता है, फिर उसके बाद उसकी वो करना पड़ता है उसकी बिस्मार करने के लिए अखबार में इश्तहार देना पड़ता है, तो ये 6 महीने का प्रोसेस तो कहीं नहीं गया। तो उस प्रोसेस से जब ये कॉलेज गुजरा तो तकरीबन 1.5 साल उस मंजूरी और उन पुरानी इमारतों को मिसमार करने में लग गया। जब मैं यहाँ आया तो तकरीबन ये इमारतें गिर चुकी थी और मुझे ये प्लेन जगह उस वक्त मिली, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस वक्त इसकी बिल्डिंग का आगाज कर दिया। तो मेरी यहाँ जो आमद थी वो तकरीबन जनवरी 2013 की लगा लीजिए, वैसे तो मैं दिसंबर के आखिरी हफ्ते में आया था, तो उसको अगर काउंट करना चाहे तो हम 2013 जनवरी में मैंने इस कॉलेज का प्रिंसिपल की हैसियत से चार्ज संभाला। तो 2014 यानी पूरे 1.5 साल के बाद ये बच्चे गुमा है, क्योंकि ये बच्चे उस वक्त 3rd ईयर में थे जब मैं यहाँ आया था, सॉरी वो जब जा रहे हैं वो 3rd ईयर में थे, आप लोग 2nd ईयर में थे, बिल्कुल ठीक है। तो ये इस बात की दुआ है कि हम पूरे डेढ़ साल में 14 अगस्त 2014 को इस बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए थे। और लॉन्ग फ्लोर पे जो हॉल है जिसका नाम मैंने फ्रीडम हॉल रखा था, उसका नाम फ्रीडम हॉल इसीलिए रखा था, वो 14 अगस्त 2014 14-14 की हमें याद दिलाता है। और फ्रीडम हॉल इसलिए भी कहा कि उस वक्त हमें फ्रीडम हुआ अपनी तकरीबात मुनद करने का, उससे पहले कभी हम अनवार क्लब मानते थे, कभी हम किसी से के आगे रिक्वेस्ट करते थे कि हमें यहाँ पे तकलीफ करने दे,
तो हम आजादी से जब अपनी तकरीर बात करने लगे आजादी वाले दिन तो हमने उसका नाम आजादी भवन रख दिया। तो ये जब तक आप लोग यहाँ इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको शाद और आबाद रखे, आपको इस आजादी हॉल की वजह तस्मिया मैंने बता दी। तो ये मुख्तसर मुद्दत थी जिसके अंदर हमने कोशिश की कि ये बच्चे जो आज दुनिया उस वक्त सेकेंड ईयर में थे और एक क्लास आज आप उस दिन भी आए हैं, ये बड़ा एक तारीखी दिन है। आज जो पहली क्लास एंटर हुई थी 2011 में 1 जनवरी को, उनका आज आखिरी इम्तहान हो गया है। आज शाम को इनकी फेयरवेल है, कल हम बिल्कुल नहीं सोचा था, बिलीव मी, कि आज का दिन इसलिए इंतखाब किया, आज का दिन इसलिए इंतखाब किया कि मैं रिलेटिवली फ्री था, जुम्मे का दिन था, लेकिन ये कुदरत ने ऐसा किया कि आज ही के दिन उन लोगों का सेशन खत्म हो गया है, वो जा रहे हैं और इंशाल्लाह वो एक महीने के बाद हाउस जॉब करने के लिए आएंगे। तो ये 5 साल आज ही मुकम्मल हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि इन बच्चों के होते हुए ही इनको ऐसा माहौल दे दिया जाए जहां ये पढ़ते हुए महसूस करें कि ये एक प्रॉपर मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। जब मैं यहां आया तो मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, मेरी पहली फ्लाइट था ना, ये तस्वीर थी जी सिविल अस्पताल की, ठीक है। अच्छा, जब मैं सॉरी लाहौर से ट्रेवल कर रहा था और सियालकोट आ रहा था उस दिन, तो जज्बा तो बहुत था जब मैं वहां से यस करके निकला, लेकिन जैसे जैसे वो आबादी शहर गुजरी, फिर देहात आने शुरू हुए, फील्ड आने शुरू हुए, फिर इंटर हुआ, दिल बैठते भी लग गया कि ये मैंने क्या फैसला कर लिया, कहाँ से उठ के कहाँ आ गया। मैं आपके अपने कैफियत ला रहा हूँ। और उसके बाद वो शख्स जो अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल है, वो प्रोफेसर रहा हो, जिसने कहीं एडमिट से पढ़ा हुआ हो अलहमदिल्ला बाहर के मुल्कों में भी, और जब मैं आई लैंडेड इन दिस हॉस्पिटल एंड सॉ दिस बिल्डिंग, मैंने तो कहा कि ये क्या होगा, कहां से शुरू होगा। और उसके बाद एक डीएचक्यू कल्चर जहां पे एकेडमिक्स नाम की कोई चीज नहीं, मरीज को ठीक है राजू होता है, लेकिन वो जो प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट हैं, यहां बैठे हमारे जाफी साहब, ही मस्ट बी नोइंग कि किस तरीके से मरीज का वर्कअप करना है, वो प्योरली एकेडमिक और क्लिनिकल वो चीज में नजर ना आए। पर स्टूडेंट से मिला, स्टूडेंट डिप्रेस्ड, ये वो बच्चे हैं जिनके 86% 90% मार्क्स लेके ये दाखिल होते हैं, और हमारे कॉलेज का मेरिट जब बनता है जी एफएससी के बाद, बली साहब आज आप हमें देखें, आज आप जो मोबाइल पर मत देखें। तो वो जी 90% लेने वाले बच्चे। अच्छा, जब मेरिट बनता है एफएससी के बाद तो जी उस वक्त हम सेकंड लास्ट थे, सबसे लास्ट पे था डीजी खान के बाद मेरे बच्चे, और हाईएस्ट मेरिट अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जाता है, और हमारे तकरीबन 15 या 16 मेडिकल कॉलेज है गवर्नमेंट, इफ आई डिड नॉट रॉन्ग, तो लोएस्ट मेरिट लेकिन 90% मार्क्स। आप ये देखें ना, कंपेयर करें ओवरऑल पॉपुलेशन के साथ, और उनको तालीम के लिए कौन सी जगह पर। सबसे पहले मैंने ये किया कि इसकी शक्ल चेंज की विद इन अ मंथ। नेक्स्ट आगे चल, ये अगले चले, ये एक महीने के बाद थोड़ा सा इसका जो है ना शक्ल बेहतर की, ताकि मेरा स्टाफ, मेरे स्टूडेंट, दे शुड फील प्राउड दैट दे आर स्टडिंग इन अ प्रॉपर मेडिकल कॉलेज। जब वो एंटर हो तो उनको थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस बना दो। आप यकीन कीजिए कि फातिमा जना मेडिकल कॉलेज का फ्रंट इतना बड़ा नहीं है जितना इस सिविल हॉस्पिटल का फ्रंट है। फातिमा जना मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग इतनी खूबसूरत नहीं है जितनी ये बिल्डिंग, ठीक है। सिर्फ इसको किस नजर से देखना है और किस तरह से संवारना है उसकी जरूरत थी। अल्हम्दुलिल्लाह जब ये बना, यही बच्चे जो आपके पीछे बैठे हैं, ये उस वक्त सेकंड ईयर में थे, इन्होंने महसूस किया कि नहीं अब ये हमारी कोई किस्मत में तब्दीली नजर आ रही है। नेक्स्ट, अब ये देखिए, एक दिन मैं वहां चला गया जिना डायग्नोस्टिक सेंटर, तो उन्होंने मुझे वो शहबाज मलिक साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो मुझे अपने टॉप स्टोरी के ऊपर ले गए। वहां से मैंने कॉलेज का नजारा किया, मैंने कहा इतना खूबसूरत कॉलेज, अब तस्वीर खिंचवाई जाके फोटोग्राफर को बुला के, यहाँ से तस्वीर ले,
और तस्वीर जब ये मैंने फेसबुक पे लगाई या उसके ऊपर वेबसाइट पे लगाई तो मुझे लोगों ने पूछा कि ये कौन से मुल्क में ये कॉलेज है, मतलब इट्स सच अ ब्यूटीफुल पिक्चर। तो बस आपने किसी चीज को एक खास नजर से देखना होता है, वो नजर हो जाती है, और अगर उस नजर से ना देखें तो बस नजर हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला स्टेप था टू चेंज द फेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल। नेक्स्ट, अब ये थी सूरत हाल इन दिसंबर 2012 और या कह लीजिए जनवरी 2013 में नई लगे, जिस जगह आप खड़े हैं इसी जगह की तस्वीर है, 2013 का जनवरी है, दिसंबर का एंड है, ठीक है। तो बात सिर्फ इतनी है कि सबसे पहले किसी भी इंस्टीट्यूशन में किसी भी कॉलेज को अगर बनाना हो तो वहां के जो स्टूडेंट और फैकल्टी को एक रियलाइजेशन दी जाए देनी पड़ती है कि भाई वो अपनी जो वैल्यू है अपने आप को पहचाने कि हम क्या हैं और उसके मुताबिक उनको माहौल दिया जाए, तब उनके अंदर वो निखार आता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट की, तो वो अल्लामा का एक शेर भी इस पे है कि आशना अपनी हकीकत से हो तू है बहका जरा, आशना अपनी हकीकत से हो तू है बहका जरा, दाना भी तू खेती भी तू बारा भी तू हासिल भी तू। तो सिर्फ आशनाई चाहिए, तो आशनाई अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने बच्चों को दी तो बच्चों ने बहुत उसको रिस्पॉन्ड किया और बहुत मेहनत से उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया और उसी वक्त से हमारे यूनिवर्सिटी के रिजल्ट्स जो है फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट ईयर वी स्टार्टेड हैविंग वेरी गुड रिजल्ट्स, मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा। उसके बाद फिर चेंज आपको पता है बहुत मुश्किल होती है। अब ये तो लोग थे जो फैकल्टी के लोग भी कह लीजिए किसी हद तक और मेरे स्टूडेंट भी, दे वर क्लीन स्लेट, और क्लीन स्लेट को ढालना मोल्ड करना कोई इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन जो हॉस्पिटल साइड में पिछले 50 साल से जो कल्चर चल रहा था उसको चेंज करना बहुत ही कठिन काम था और उसके लिए बहुत रेजिस्टेंस आई। लेकिन वो ये है कि जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस आती है उतनी ही ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है और उसके अंदर उतना ही ज्यादा आप उस काम को करने में एंजॉय करते हो। तो हॉस्पिटल पे सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमें तवज्जो दी और वहां पे हमने ना सिर्फ नए डिपार्टमेंट्स इंट्रोड्यूस किए, नए प्रोसीजर करना शुरू किए, ट्रॉमा सेंटर को हमने रीऑर्गेनाइज किया और एक तरह का एकेडमिक और क्लिनिकल कल्चर जो विच इज यूजुअली लैकिंग इन डीएचक्यू हॉस्पिटल उसको हमने किया, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन थी फ्रॉम अ नॉन टीचिंग इंस्टीट्यूशन इनटू टीचिंग इंस्टीट्यूशन, तो उसमें रेजिस्टेंस जो थी वो बरार थी। अल्हम्दुलिल्लाह वी वर क्वाइट यू नो सक्सेसफुल इन अचीविंग दैट। अब बात ये कि ये जो बिल्डिंग्स वगैरह, मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि वो बिल्डिंग्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, इंपॉर्टेंट होती हैं और उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं दे आर मोर इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात यह है कि ये फाउंडेशन भी बहुत जरूरी है, ये भी फाउंडेशन बहुत जरूरी है कि अच्छी फाउंडेशन हो, उससे ज्यादा किसी इंस्टीट्यूशन की जो होती है मॉरल एथिकल और इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन जो है वो बेहतरीन होनी चाहिए। कल ही मैं लाहौर में एक सेक्रेटरी साहब के पास बैठा हुआ था तो मुझे कह रहे थे यार ये किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज और ये लामा न्यू अस्पताल में बड़ी डिटेलिएशन आ गई है, अब वो वाले हालात नहीं रहे जिस तरह पहले होते थे। लेकिन आज भी पूरी दुनिया में किंग एडवर्ड का नाम है, आज भी पूरी दुनिया में हॉस्पिटल का नाम है, आज भी वहां से कोई ग्रेजुएट करता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ होता है विच यू नो डिस्टिंग्विशेस अ कैलिफोर्निया फ्रॉम अदर कॉलेजेस। तो मैं उन्हें कह रहा था कि बात सर ये है कि ये जो ट्रेडिशंस बनती हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये इतनी जल्दी डाई आउट नहीं होती, क्योंकि अगर वो बनाने वाले मुखलिस हों, असल में ये अंग्रेज हमें दे गया था और उसने जिस तरह उसकी फाउंडेशन रख दी, अब उनको जाते 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 भी अरसा लगेगा। तो मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह यही सोचा कि इस कॉलेज की ना सिर्फ ये जो ब्रांडिंग की बुनियाद इमारती बुनियादें हैं ये मजबूत की जाए, इस कॉलेज के बच्चों की जो है वो इंटेलेक्चुअल मॉरल एथिकल फाउंडेशंस को भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो जैसे कहा कि खिश्ते अव्वल चून हक में मार कच ता सुरैया मीर व दीवार कच, पहले ईद ये टेढ़ी पड़ गई तो दीवार सारी
जहां तक भी आप उसको ले जाएंगे वो टेढ़ी होगी। तो ये दीवार जो है ना, ये बच्चों की, ये सेकंड बैच, फर्स्ट बैच पास हो गए, ये सेकंड बैच है, अगर ये बच्चे अब हमारा जो हरावल करता है, अगर ये स्ट्रेट हो गए तो इनके पीछे आने वाले सारे बच्चे इसी तरह इनकी तकलीद करेंगे और ये दीवार सीधी 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 ऊपर जाएगी। टेढ़ी दीवार कभी नहीं सी वो उतना ऊपर नहीं जाती जितनी स्ट्रेट राइट एंगल पे जो दीवार है वो ऊपर जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये थी जी दिसंबर में पोजीशन। नेक्स्ट अब ये थी अगस्त 2014 को ये राइट विंग बना हुआ था, लेफ्ट विंग नहीं था, लेकिन 2015 के जनवरी में ये तस्वीर खींची गई थी, ये आपके सामने। नेक्स्ट ये एक ब्लॉक है, इसको हम कहते हैं अप्लाइड साइंसेस ब्लॉक, इसके अंदर पैथोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन और जी कम्युनिटी मेडिसिन उनके ये फ्लोर्स हैं, चार फ्लोर हैं चार। नेक्स्ट ये हमारा बेसिक साइंसेस का, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री का। नेक्स्ट और ये दरमियान में इनको कनेक्ट कर रहा है कॉरिडोर, जिसको जफरी साहब हमने कहा है क्लिनिकल कॉरिडोर, इसके अंदर हमारे क्लिनिकल प्रोफेसर के और फैकल्टी मेंबर्स के ऑफिसेज हैं, और इसका नाम क्लिनिकल कॉरिडोर में हमने रखा है जो कायद आजम के पर्सनल फिजिशियन थे कर्नल राइट बख्श, उनके नाम पे इसका नाम। नेक्स्ट ये एक हॉल है, ये हमारा हॉस्टल, इसको हम कहते हैं जी अर्शिन हॉल, ये फातिमा हॉल है, ये बच्चियों का हॉस्टल है, 100 बच्चों की गुंजाइश है। नेक्स्ट और ये कासिम हॉल है, ये हमारे जो है बच्चों का, लड़कों का हॉल है, ठीक है, इसमें भी 100 की बच्चे 500 हैं, दो हॉस्टल बनाए थे 100-100 के, अब वो 300 कहाँ जाए, ये उस वक्त सोचा नहीं था किसी ने कि भाई बाकियों का क्या करना है, ठीक है। वो इसलिए कि गुजरावाला के अंदर दो हॉस्टल बनाए गए, एक हॉस्टल में 250, एक हॉस्टल में 500 पूरे हो गए, उन्होंने कहा इतने भी दो हॉस्टल बनाओ, क्यों कहते दो बनाए, लेकिन नहीं सोचे थे 100-100 दे खुदा के बंदो, ये तो हम जो सोचते ना कि ये इधर दो इधर भी दो चाहिए। जब मैं आई के आई पॉइंटेड आउट दिस फैलेसी, आई सेड व्हाट इज दिस, ये दो हॉस्टल तो बने लेकिन बच्चे हमारे 500 हैं। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट अच्छा ये मास्टर प्लान है हमारे कॉलेज का, ये येलो में जो आपको एरिया नजर आ रहा है ये हमारा कॉलेज कैंपस, ये जो इस वक्त आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ इससे पहले क्या होता था, यहाँ पे था ये स्टाफ, लोअर स्टाफ क्वार्टर्स थे, नर्सिंग स्कूल था, पैरामेडिकल स्कूल था, डीएचओ ऑफिस था, वो सब मिला के यहाँ पे ये दो आपको नजर आ रहे हैं एकेडमिक ब्लॉक्स और इनके दरमियान में कनेक्शन है। इसके अलावा यहाँ हॉस्पिटल, दिस इज कॉलेज साइड, उसके बाद ये जो आपको मेन में नजर आ रही है दिस इज ओल्ड हॉस्पिटल बिल्डिंग, जिसकी मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। अब जो ये आपको ब्लू में नजर आ रहा है ये वो एरिया है जो आपने कहीं ना विजिट किया होगा, यहाँ हमारे स्टाफ रेजिडेंसीज थी, जो हमारे डॉक्टर्स यहाँ पे माशाल्लाह स्पेशलिस्ट थे उनके घर थे, और अक्सर वहाँ पे क्लिनिक भी होते थे, इसलिए लोग यहाँ से गुजर के वहाँ जाया करते थे। एक यहाँ नर्सिंग हॉस्टल था, टीबी वार्ड था। अब जब कॉलेज बना तो कॉलेज के साथ दूसरा प्रोजेक्ट था अपग्रेडेशन ऑफ द हॉस्पिटल, पहला जो हमारा हॉस्पिटल है वो 250 बेड हॉस्पिटल है, अब जो हम सॉरी 550 बेड हॉस्पिटल है, अब हम जो दूसरा अस्पताल बनाना चाह रहे हैं वो भी 550 बेड की हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट है फॉर अ मेडिकल कॉलेज, क्योंकि आज अगर यहाँ 100 तलबा हैं और तालिबात हैं कल वही 200 या 300 भी होंगे, तो 1100 बेड का अस्पताल बनाना है, जिसके लिए 550 बेड का अस्पताल जो है ना वो बनाना था, और वो जगह नहीं मिल रही थी, तो उसके लिए हमने जो प्रोजेक्ट बनाया और दोस्तों को कन्विंस किया, डॉक्टर्स को, कि एक बहुत बड़े कॉज के लिए खुदारा हमें आपकी बिल्डिंग अपनी रेजिडेंसी हमें गिरानी पड़ेगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एग्री किया। अब तकरीबन सारी रेजिडेंसीज गिर चुकी हैं और टीबी वार्ड भी गिर चुका है, नर्सिंग हॉस्टल भी गिर चुका है, और उसकी जगह ये अब बिल्डिंग्स बन रही हैं, जिसके अंदर क्योंकि पहले हम नर्सिंग जो था स्कूल और हॉस्टल गिरा चुके हैं, इसलिए यहाँ पे नर्सिंग हॉस्टल बन रहा है और स्कूल बन रहा है, और साथ एक डॉक्टर्स हॉस्टल बन रहा है, और ये नीचे जो आपको नजर आ रहे हैं बड़ा एरिया, ये है वो बड़ा हॉस्पिटल जो इंशाल्लाह ताला बनेगा। इसके लिए अप्रूवल हो चुकी है, तकरीबन 4 बिलियन का प्रोजेक्ट है ये जो आपको ब्लू में नजर आ रहा है, 4 बिलियन का, ठीक है जी। इसको 4-5 साल लगेंगे, लेकिन ये इसका ब्लू प्रिंट बन चुका है और इसकी
की कायदा एलोकेशन हो रही है हो चुकी है और ये सीरियली एवरी ईयर जो है बनना शुरू हो जाएगा. ठीक है जी, ये हमारा फ्यूचर हॉस्पिटल ये बन जाएगा, हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स एंड देन द कॉलेज कॉम्प्लेक्स. नेक्स्ट प्लीज. इसके बाद ऑडिटोरियम नहीं था तो बाकी जो चारों मेडिकल कॉलेज हैं किसी की जगह पर ऑडिटोरियम नहीं है. मैंने रखा नहीं था उसको, फेस टू में रखा था. तो बच्चे यहाँ कोकरिकुलर एक्टिविटीज ड्रामा और स्पीचेस वगैरह तो ऑडिटोरियम वाज नेसेसिटी. देन आई फॉट फॉर दिस के जी फेज टू को छोड़े, हमें इसी में ऑडिटोरियम बना दें. और ये ऑडिटोरियम तकरीबन 600 की कैपेसिटी होगी इस ऑडिटोरियम की. ये अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा भी होगा, इसका नाम हमने रखा जी मौलाना जलालुद्दीन रूमी ऑडिटोरियम, अल्लामा इकबाल के जो रूहानी. तो ये उम्मीद है कि ये इस साल के एंड तक पूरी तरह मुकम्मल हो जाएगा. मेरी कोशिश तो ये है कि ये सितंबर तक हो जाए और हम यहाँ पे अपना कॉलेज का पहला कॉन्वोकेशन कर सकें. नेक्स्ट. तो जो तीन हॉस्टल काम थे उनकी भी हमने मंजूरी करवाई और इसी प्रोजेक्ट के अंदर रिविजन में लगा के अब ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन गर्ल्स हॉस्टल है, नेक्स्ट अंडर कंस्ट्रक्शन बॉयज हॉस्टल है और एक और गर्ल्स हॉस्टल था. तीन गर्ल्स हॉस्टल और टू बॉयज हॉस्टल इंशाल्लाह ताला आपको इस साल के एंड के अंदर यहाँ भी मिल जाएंगे. नेक्स्ट. ये वो जो मैं हॉस्पिटल साइट की वो प्रोजेक्ट की बात कर रहा था उसमें नर्सिंग स्कूल बनना शुरू हो गया है. इसकी तीसरी छात्र इस पर पढ़ रही है. ठीक है, ये एक कंपोनेंट है नर्सिंग स्कूल एंड हॉस्टल. दूसरा कंपोनेंट है अगला ये है डॉक्टर्स हॉस्टल और तीसरा कंपोनेंट जो है वो है स्टाफ रेजिडेंसेस मल्टी स्टोरी और चौथा कंपोनेंट इसमें जो है वो मेन हॉस्पिटल उसकी जो है स्टार्ट हम लेंगे इंशाल्लाह ताला यकम जुलाई 2016. नेक्स्ट. तो ये आपको मैं जरा आपके इल्म में लाना चाह रहा था कि दिस इज व्हाट हैज बीन डन, दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन एंड दिस इज व्हाट वी आर एंटीसिपेटिंग टू हैपन. राइट, तो ये एक लंबा सफर है. तो कहते हैं कि वो अमजद अमजद का एक शेर है और कल मेरे सामने अमजद साहब भी आ रहे हैं कि अमजद ना कदम रोक, अमजद ना कदम रोक के वो दूर की मंजिल निकलेगी किसी रोज इसी गद्दे सफर से इंशाअल्लाह. अच्छा जी, तो बिल्डिंग के बारे में हम बता दिया. फैकल्टी दूसरा जो कंपोनेंट है वो है फैकल्टी. अब मैं आपको बताऊं कि आप इतना खूबसूरत शहर है इसमें कोई शक नहीं, मुझे कहना भी पड़ता है इसलिए कि मेरे इन-लॉज हैं. कॉम्पैक्ट शहर भी है, मॉडर्न शहर भी है, सेल्फ सफिशिएंट भी है, यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, लेकिन उसके बावजूद लाहौर से सीनियर डॉक्टर यहाँ पे नहीं आना चाहते. मेरे 27 प्रोफेसरों की पोस्ट है जिसमें 7 पोस्टें फिल्डा 20 खाली पड़ी. इसी तरह मेरे पास 37 पोस्टें हैं एसोसिएट प्रोफेसर की, तो 14 फील्डा में बाकी खाली पड़ी हैं. तो 47 पोस्टें हैं एसोसिएट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर की जिसमें से 25 फील्डा पे, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर यंग हैं यहीं के आपके सपूत हैं वो आके लग गए. ठीक है, बाहर से यहाँ कोई आना नहीं चाहता, पता नहीं क्यों आना नहीं चाहता, आप उनसे पूछिए कि वो लाहौर छोड़ने को तैयार हैं. फैकल्टी की हमें कमी है और ये कमी आइंदा 5-6 साल भी रहेगी जब तक आपके ये भी यही असिस्टेंट प्रोफेसर जो इस वक्त हमारे पास ज्यादातर आदमी मौजूद हैं ये एसोसिएट नहीं बनते, फिर प्रोफेसर नहीं बनते, फिर यहीं पे ही सारा ये जब सर्कल कंप्लीट होगा और 10-15 साल लगेंगे. और वैसे भी जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं